गुड मॉर्निंग आप सभी को, शाइन हेलो हाय संजन कुमार, गुड मॉर्निंग जी, आई एम फाइन। ऋतिक राज गुड मॉर्निंग, आ जाइए। आ जाइए सभी लोग, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोसेक ए। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। चलिए सॉल्व करते हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान क्या है, वन प्लस कोशेक ए है। चलते हैं आगे, वन प्लस इसको देखिए स्क्वायर लगा सकते हैं ना, एक ब्रेकेट में जोड़ सकते हैं, एक ब्रेकेट में घटा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कोशेक ए प्लस वन, और अगले ब्रेकेट में कोशेक ए माइनस वन अपॉन वन प्लस कोशेक ए। यहां से देखिए ये प्लस वाला कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, वन प्लस कोशेक ए माइनस वन, ये वन से वन कट जाएगा, क्या बचेगा कोशेक ए। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी डी सही होगा। हाँ जी एक लाइक हो जाए ज्यादा अच्छा होगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोग सचमुच पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल से आपके तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा पहले से, ठीक है ना, इसके लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहिएगा, ठीक है ना। इसका मान दिया गया है देखिए ओ ए बी, ओ ए बी बी सेंस, देखिए यहां पे थोड़ी सी लिखने में गलती है, यहां पे होगा ये होगा ओ ए सी, यहां पे जो ओ ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे ये 20 degree होगा, यहाँ पे ये 30 degree होगा, ठीक है ना। जो हमको पूछा है वो कोण पूछा है ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। चलिए इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है ना, इसको चलिए हम सही कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है ना, इसको सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है ओ ए सी, ओ कोण ओ ए सी बराबर बी संस है, और यहां पे क्या है कोण ओ बी सी बराबर 30 degrees है, ठीक। और कोण हमको ज्ञात क्या करना है ए ओ बी, कोण ए ओ
बी हमको ज्ञात करना है। चलिए संजन कुमार का आंसर आ गया है। हाँ जी आ गया है, बहुत अच्छा। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये रेडियस है ना, त्रिज्या है, ये भी क्या है, रेडियस त्रिज्या है, और ये भी क्या है होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो बताओ त्रिज्या, अगर ये भुजा बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब 20 ये तो 20 ये भी होगा, 30 ये है तो 30 ये भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 20 50। तो हमको पूछा क्या है इसका कोण का मान, तो कोण ए ओ बी बराबर दो कोण ए सी बी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं परिधि पर बने कोण का दुगुना केंद्र पर बना कोण होता है। इस चीज का एक थ्योरम को आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है केंद्र पर बना कोण। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 ACB, ACB क्या है 30 20 50, ये हो जाएगा हमारा 100। तो कहने का मतलब ऑप्शन हमारा 100 अन सही है, डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। संजन कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही था। फिर एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं, या ये देखिए ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 20 50, ये टोटल कितने का हो जाएगा, ACB हमारा क्या हो जाएगा 50 अंश, ये 30 20। और इसके बाद हमको निकालना इसका मान है, जब इसका हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, दुगुना होता है, दुगुना होता है किसका, परिध पर बने कोण का दुगुना केंद्र पर बना कोण, तो वो अगर 50 है तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स से है, यदि ए बराबर 1 2 -3 0 और -1 0 2 और 3 हो तो अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्रम से कर एक एक करके लगाते हैं, चेक करते हैं कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर देखिए एक आता ही नहीं, ए स्क्वायर का मान निकालिए, ए का मान क्या है 1 2 -3 0, स्क्वायर का मतलब दो बार ना, ए इंटू ए होगा ना, ए इंटू ए होगा -3 और 0, ठीक। अब कराओ एक का एक में कराएंगे, एक कम एक, दो का -3 में कराएंगे तो क्या हो जाए, 3 2 6 -6, ठीक। अब इसके बाद इसका इसमें कराएंगे तो ये क्या होगा, 2 1 2, और 2 का 0 में कराएंगे 0। अब इसका कराइए -3 का गुणा 1 में कराएंगे -3 होगा, 0 का -3 में कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर -3 का 2 में कराएंगे -6 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, -5 और ये -3 और ये 2 और -6, तो क्या ये बराबर ए के है, ए के बराबर है, देखिए ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है नहीं आया है ना, कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब चलिए अब निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर का मान निकाल के देखिए बी के बराबर आता है कि नहीं, बी स्क्वायर का मान निकालिए हमारा, ये बी है, बी स्क्वायर बराबर क्या, बी इंटू बी लिख सकते हैं ना, बी का मान हमको क्या दिया गया है, -1 0 2 3, और b का मान क्या दिया गया है, -1 0 2 3। चलिए करते हैं गुणा, -1 का 1 में कराएंगे, 1 1 कम 1, 0 का 2 में करा देंगे हो जाएगा 0, फिर -1 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या होगा 0, फिर 0 का गुणा 3 में करा देंगे क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसका कराएंगे 2 का गुणा -1 में कराएंगे -2, 3 का गुणा 2 में कराएंगे क्या होगा 6। अब इसका गुणा इसमें कराइए तो क्या होगा ये 0, और 3 का गुणा 3 में कराएंगे 9, तो ये क्या हो गया 1, ये प्लस 4 और ये 0 और ये 9। अब बताओ ये क्या b के बराबर आया है कि नहीं, ये देखिए
बी हमारा ये है लेकिन बी स्क्वायर ये है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है ना, कहने का मतलब बी स्क्वायर बी के बराबर नहीं है। तो ये देखिए बी स्क्वायर का मान बी के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, गलत है। अब चलते हैं आगे, आगे चेक करते हैं, ये ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ए इंटू बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी निकालिए, ए का मान क्या है, एक माइनस तीन दो और जीरो, और बी का मान क्या है, बी का मान जो हमारा माइनस एक जीरो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा मैट्रिक से, अब करिए गुणा, एक का गुणा माइनस एक में कराएंगे क्या होगा, माइनस एक, दो का गुणा दो में कराएंगे क्या होगा, चार, है ना। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे जीरो हो जाएगा, दो का गुणा तीन में कराएंगे छः हो जाएगा, ठीक। अब माइनस तीन का गुणा माइनस एक में कराएंगे तो क्या होगा, तीन एक कम तीन, और जीरो का इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो। अब माइनस तीन का गुणा जीरो में कराएंगे तो क्या होगा, जीरो, और जीरो का गुणा जीरो। चलिए आगे चलते हैं, अब ये हो जाएगा क्या बताओ, ये तीन हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, और ये क्या छः, और ये जीरो, ये हमारा क्या आ गया, ए इंटू बी। अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं क्या, बी इंटू ए, बी इंटू ए निकालते हैं, बी का मान हमारा क्या है, माइनस एक दो जीरो तीन, और ए का मान क्या है, एक माइनस तीन दो जीरो। अब इसका कराओ, माइनस एक का एक में कराएंगे क्या होगा, माइनस एक होगा, और जीरो का तीन माइनस तीन कराएंगे ये क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद माइनस एक का दो में कराएंगे तो क्या होगा, माइनस दो, जीरो का जीरो हो जाएगा। फिर दो का गुणा एक में कराएंगे क्या होगा, दो, और तीन का माइनस तीन में कराएंगे तीन त्रिक का नौ प्लस नौ हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें कराएंगे तो क्या होगा, चार, और ये तीन का जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए माइनस एक नौ दो ग्यारह, माइनस दो चार, ये बराबर नहीं आया। देखो ए इंटू बी का मान, ए इंटू बी का मान जो आया है वो बी इंटू ए का मान नहीं है, देखिए बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ हमारा क्या है, हाँ सी सही था बिल्कुल। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, नेटवर्क इश्यू होगा। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, श्रेणी, जो हमको सीरीज दी गई है, एक का क्यूब प्लस हाँ जी सी आंसर होगा। हाँ देखिए, चलिए चलते हैं आगे, हाँ जी आठ का सी होगा। देखिए ये क्या है, जैसे सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं, जैसे सीरीज में कोई दिया गया है प्लस प्लस में, उसको योग, उसका क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n, n प्लस वन बाय टू होता है ना। उसी तरीके से अगर सब पे क्यूब लगा होता है तो उसका जो होता है वो हमारा होता है n स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय फोर, ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 इस तरीके का रहता है, तो हमारा ये फार्मूला होता है, अगर क्यूब रहता है
क्यूब रहता है तो हमारा फार्मूला ये होता है। तो ये हमारा एक फार्मूला था जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है ना। ये एक फार्मूला था जो सी सही है आंसर। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 18x+9=0 के मूलों का गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य क्या है? ऋतिक संजन कुमार 9 का 3, आपने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, बहुत फास्ट। गुणोत्तर माध्य क्या है? मूलों का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य हमारा जो होता है वो होता है उसका फार्मूला गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। अगर उनके मूल अल्फा और बीटा अगर रहते हैं, अगर उनके मूल जो है अल्फा इंटू बीटा है, तो गुणोत्तर माध्य जो हमारा होता है वो क्या होता है? अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये होता है बच्चे कि, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये होता है कि मूलों का गुणनफल का अंडर रूट निकाल दीजिए बस। तो इसके इस मूल का जो है, इस मूल का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताओ? इनके मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो इनका गुणनफल क्या होगा बताओ? अचर पद बटे क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब 9/1, एक लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 9 अब यहाँ पे रख दीजिए, अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। संजन कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए चलते हैं आगे। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दसवां क्वेश्चन के लिए दो आंसर आ चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी, एक संजन कुमार का 5 और ऋतिक राज का -5। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर नहीं दिख रहा है, चलिए आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब दिख रहा है ना, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका सही है। ये क्या है? अंडर रूट 3/7। आप लोग लगाए हैं, बहुत अच्छा लगाए हैं, फिर भी एक बार हम चेक करते हैं लगा के क्या आंसर होगा। 343/27 में यक्स का मान, में यक्स का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट को हम क्या 1/2 लिखते हैं कि नहीं बताओ? 1/2 लिख देते हैं कि नहीं बताओ? 1/2 लिखते हैं ना, बोलो भाई। 3/7 को इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 पावर में x प्लस 1 पहले से ही है बराबर। ये किसका बताओ? 343 किसका है बताओ? ये 7 का क्यूब है ना, ये क्या है? 7 का क्यूब है। और 27 किसका है? 3 का है। 3 3 9 3 27, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लीजिए a की पावर m की पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू n लिखते हैं ना। उसी कैटेगरी से ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? उस कैटेगरी से ये हमारा हो जाएगा 3/7 × x/1/2 हो जाएगा कि नहीं बताओ? गुणा हो जाएगा ना। चलते हैं आगे। बराबर ये 7/3 है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, 3/7 लिख देते हैं क्यूब में। अब देखो दोनों के आधार क्या हो गया? ये माइनस में हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये तीन नीचे था, उसको हमने ऊपर किया है, सात को नीचे किया है, अंश को हर हर को अंश बनाया है, इसलिए क्या किया गया, चिन्ह जो थ्री प्लस में होना चाहिए वो माइनस में हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों के क्या है, बेस इक्वल है, तो घातों की क्या कर लेंगे हम लोग, तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो x प्लस वन बाई टू बराबर माइनस थ्री, क्रॉस गुणा कराएंगे ये हो जाएगा क्या, x प्लस वन बराबर माइनस छ, एक इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस एक हो जाएगा, तो x बराबर माइनस छ माइनस एक, तो x बराबर माइनस सात। भाई गलत हो गया आप लोगों का, माइनस सात होगा आंसर। संजन कुमार आप भी गलत कर दिए, ऋतिक राज आपका भी गलत हो गया, ध्यान से लगाइए सवाल को। देखिए आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो गलती होना तो 101% होना स्वाभाविक है, तो इसमें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। बाकी तो मैथ का भी ऐसा तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता हमारे हिसाब से जिससे कहीं से मिस्टेक ना हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है ना, वो लाजमी है, होता है, सबसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो इससे डर गया वो मैथ नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। मैथ का मतलब ये है कि लगे रहो, गलत होगा सही होगा, सही होगा गलत होगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, और जहां ना समझ में आए फिर बता, एक बार हम कहो तो रिपीट कर दें फिर से। ये देखो अंडर रूट में है तो इसको 1/2 में लिख सकते हैं, इसका हम लोग जानते हैं ए की पावर एम रहता है तो क्या होता है, पावर गुड़ा में चला जाते हैं ना, ये गुड़े में चले गए इसके पावर, और ये ऐसे है तो इसके ये देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ बेटे 7/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, तीन को ऊपर करके सात को नीचे, क्यों, क्योंकि हमको बेस को बराबर करना है, इसलिए माइनस तीन। अब देखो दोनों के बेस बराबर हो गया तो हम लोग क्या करिए, तुलना कर लिए, तुलना करने के बाद तिरछा गुड़ा उड़ा करा के सॉल्व कर लिए। ठीक, हाँ चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। राहुल क्वेश्चन अगला वाला सेट करो। हाँ जी, जैसे समझो नहीं तो ऐसे ही पढ़ा दें क्या, इसी में चलने दे क्या, नहीं होगा। नहीं यार वो तो नहीं, यही तो है ना, ये तो 17 हो गया, उसे भी अपना हो गया ना। चलिए बस ठीक है, हाँ चलिए टेक्निकल इश्यू की वजह से दिक्कत हो गई थी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, समांतर रेखाओं 3x + 4y + 10 = 0 तथा क्या 3x + 4y + 20 = 0 के बीच की दूरी होगी। देखिए अगर आपको दो समीकरण दिया जाए, ध्यान से समझ लीजिए, या अगर आपको दो समीकरण दिया जाए और उसके बीच की दूरी पूछ लिया जाए,
तो बहुत ही आसान होता है उसके बीच की, दो समीकरणों के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं एग्जाम में। या तो आपको वहाँ एग्जाम में ऐसा मिल सकता है कि दो बिंदु देकर, दो निर्देशांक देकर और उसके बीच की दूरी पूछ लेगा, ठीक है ना, वो अधिकतर पूछता है, और या फिर ऑप्शन में ये एक क्वेश्चन रहता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, मिलता है हमेशा, हर पेपर मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। तो दो, या तो बिंदु देकर उसकी दूरी पूछेगा या समीकरण देकर दोनों दूरी पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण अगर दिया रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे, d बराबर मॉड में सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि दूरी कहीं माइनस में ना जाए, इसके सेफ्टी के लिए हम लोग मॉड लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तुलना कर लीजिए, ये हमारा सी वन है और ये हमारा सी टू है और ये क्या है A1 है। यहाँ पे देखिए, हाँ, दो समीकरण जो दिए जाएंगे दोनों इक्वल रहेंगे, हाँ ये भी याद रखना आप लोग। C1 क्या है, 10 माइनस 20 बटे ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 में से 10 गए माइनस 10 बटे 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, अंडर रूट 25, ठीक, अंडर रूट 25, ठीक। 25 का क्या होता है, ये देखिए मार्ट को हम हटाएंगे तो प्लस चिन्ह के साथ निकलेगा बाहर, 25 का वर्गमूल 5, अब ये 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया हमारा दो मात्रक, कितना आ गया दो मात्रक, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऋतिक राज आप फिर से मिस्टेक कर दिए, दो नहीं सी होगा या दो, अच्छा हाँ जी दो, हाँ दो दो जी हाँ दो होगा आंसर, बिल्कुल सही है, हमने सोचा भी बोल रहे हो, नहीं एकदम सही है आपका आंसर, दो ही आएगा, ठीक है ना, गुड, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश होती है उस समय सूर्य की ऊंचाई 30 अंश, कर लीजिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 30 अंश होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है, मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस से हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको अवगत करा रहे हैं कि आपको लगभग दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, एक जो होगा वो थोड़ा सा इजी मिल जाएगा आपको और एक जो मिलेगा वो थोड़ा सा टफ मिल जाएगा, और मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपको मिलने 5 ही है, ठीक है ना, 5 अंक निर्धारित किए गए हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम में, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम ये लगाते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश होती है उस समय तुलना में, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है उस समय समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया 40 मीटर अधिक, तो एक मीनार बना लीजिए, एक मीनार बना लेते हैं जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या है h है, जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h है, और वो क्या कर रहा है, एक बार 60 अंश का कोण बना रहा है और एक बार वो 30 अंश का बना रहा है, ए बी सी, ये d कर दिए, यहां पर 60 डिग्री का बना रहा है और यहां पे 30 डिग्री का बना रहा है, लेकिन कर क्या रहा है कि जब 60 था तो जब 30 हो गया तो उसमें 40 मीटर क्या हो गया, वो बढ़ गया, 40 मीटर क्या हो गई, वो अधिक हो गई 40 मीटर, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, चलिए
पहले हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। तो इसमें इसका कोण क्या दिया गया है, 30 अंश। थोड़ा सा जल्दी लगाते हैं क्वेश्चन को, इसकी दूरी को हम x मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार h अपॉन x प्लस 40। क्यों, क्योंकि यहां तक ले रहे हैं तो x प्लस 40 करेंगे। और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन h अपॉन x प्लस 40। तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 40 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर h। इसको समीकरण नंबर एक डाल के छोड़ देते हैं। इसके बाद ले लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज 60 अंश वाला, tan 60 अंश ले लेते हैं। फिर क्या होगा इसमें, इसकी दूरी क्या है, x है, और ऊंचाई क्या है, h, h अपॉन x। tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 अपॉन h अपॉन x, ठीक। अब इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 3x बराबर h। या क्या कर लेते हैं हम लोग, हमको निकालना मान h का है तो x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 3। अब इसका मान हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण दो कर देते हैं और x के मान को इसी पे रख देते हैं समीकरण एक में, h अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 40 बटे अंडर रूट 3 बराबर h। चलिए हम लोग इसको फिगर को मिटा के फिर से जो है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, h प्लस अंडर रूट 3 प्लस 40, ये नीचे आ जाएगा तो ये अंडर रूट 3 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 बराबर h। तो h प्लस अंडर रूट 3 40 बराबर, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3h, ठीक। और उसके बाद ये अंडर रूट 3 40 इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h। तो ये h बराबर हमारा जो हो जाएगा अंडर रूट 3 40 अपॉन 2। तो ये h बराबर हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20√3। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, जी हमारा डी ऑप्शन सही है। वीडियो को आप लोग पुश करना, फिर देखना, फिर लगाना, थोड़ा सा आप तेज लगा दिए, बहुत विस्तृत रूप से समझा नहीं पाए चूंकि सर आके बैठे हैं, टेक्निकल टीम, टेक्निकल पढ़ाते हैं, टेक्निकल गुरुजी हमारे, तो क्षमा चाहते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने टाइम पे, और आप लोग महज 2 दिन आपका बचा है, लग जाओ दिल और दिमाग से, ठीक है ना। और पीछे भी जितने भी वीडियो पढ़े हैं आप वहाँ पे जाकर एक एक सेट को देखकर, एक एक क्वेश्चन को देखकर अच्छे से लगा के सॉल्व करके तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम। धन्यवाद।